आज की दुनिया का सुपर हीरो बनना चाहते हो, सुपर ह्यूमन बनना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि इस वीडियो में आकाइजी डायग्राम की मदद से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सुपर ह्यूमन में अपने आप को कैसे कन्वर्ट करना, यानी कि अपने आप को उस टारगेट पे आप कैसे लेके जा पाओगे जहाँ पे आपको ऐसा एहसास होगा कि आप कोई आम इंसान नहीं रहे, बल्कि आपका जो टास्क है एक सुपर ह्यूमन की तरह काम कर रहा है। और वो कैसे हो पाएगा, इस वीडियो में डिटेल से हम लोग एक एक करके जो है वो जानते हैं। अब आकाइजी क्या होता है, सभी लोगों ने जापानी टेक्निक के बारे में सुना होगा। कहते हैं कि जो भी चीज़ें आपको पसंद है, जिस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उस चीज़ को आप डिवाइड कर लो पैशन और मिशन में। उसके साथ साथ आप किस चीज़ में अच्छे हो वो आपके पैशन और प्रोफेशन को बढ़ावा देगा, साथ में कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि आपको पैसा पे करता है, किस तरीके से पे करेगा, वो आपका प्रोफेशन हो सकता है या फिर किसी तरह का वेकेशन आप जो है वो अरेंज करते हो या इस तरह से अपने आप को मोनेटाइज कर लेते हो जो आपके लिए पे करेगा, और इस दुनिया में आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की नीड है वो जो है आपको इस टेबल में दिखाई देता है। और जब कोई आदमी इस चीज़ को मास्टर कर लेता है तो उसे मिलती है आकाइज़, यानी कि एक ऐसा फीलिंग जो कि हर काम को हैप्पीनेस के साथ, मोर कंफर्टेबल के साथ, सेल्फ अप्रूवल के साथ, अनसर्टेनिटी को अवॉइड करके एक बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाता है, वही होता है आकाइज़ी, जो कि सिंपल सेंटेंस में आपको बता रहा हूँ। और इस वीडियो में अगर इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से इन्वेंट कर लेते हो अपने अंदर, एज ए ह्यूमन आप सुपर ह्यूमन में कन्वर्ट हो पाओगे, जिसे एक एक करके देखते हैं। ये जो है आज का हमारा टारगेट रहने वाला है कि किस तरीके से ये आपका जो प्रोफेशन, पैशन, वेकेशन, मिशन है, ये किस तरीके से कंबाइन करके एक क्लियरिटी ऑफ थॉट या फिर जो डिसीजन मेकिंग का पावर है वो आपके अंदर एज ए सुपर ह्यूमन की तरह आ जाए, इसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले आपके पैशन में क्या हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है, लेकिन आप अपने पैशन को कन्वर्ट कर सकते हो। और कन्वर्ट कैसे कर सकते हो, किस लेवल पे कर सकते हो, आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पैशन वाले में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो पैशन है ये क्या होना चाहिए। टारगेट कर लो कि सन निकलने से पहले आप जग जाओगे, और जब तक सन निकला रहेगा तब तक आप सोओगे नहीं, उस वक्त तक जो है आप कुछ ना कुछ अपने कामों में डीप वर्क में बने रहोगे। हैवी लिफ्टिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रक उठाने चले जाओ। हैवी लिफ्टिंग का मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ वेट जो है एक्सरसाइज करने हैं, मसल गेनिंग जो है वो कुछ ना कुछ करने हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद यही चीज़ें हैं जो आपके साथ रह जाती है। मेडिटेशन सुबह सुबह आप अपना सकते हो, या जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप अपना सकते हो, कि माइंड साफ करने के लिए ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है जो कि आपके फैशन में आना चाहिए। साथ में हाइड्रेशन, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि जब आप अभी अच्छे हो, अच्छा डिसीजन ले रहे हो, तो आप हाइड्रेशन को अवॉइड कर दो, यानी कि पानी को अवॉइड कर दो। एटलीस्ट 2 से 2.5 लीटर 3 लीटर आप दिन में पानी पीने की कोशिश करो, जिससे आपका बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड रहे, और ये चीज़ें आपके पैशन को फॉलो करने में बहुत अच्छे तरीके से आगे मदद करेगा। जो नेक्स्ट क्वार्टर है वो है प्रोफेशन का। अब प्रोफेशन बहुत तरीके से हो सकता है, बहुत तरीके से आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन अगर आपको सुपर ह्यूमन में कन्वर्ट करना है तो आपका प्रोफेशन होना चाहिए हाई प्रोटीन डाइट। जो भी डाइट लेते हो, शुगर तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अल्कोहल बिल्कुल भी जो है आपको नहीं लेना चाहिए। यही बेनिफिट ना आपके साइड इफेक्ट के तौर पर देखना शुरू हो जाएगा। एक अच्छा मेंटल हेल्थ नहीं रहेगा, एक अच्छा क्लियरिटी नहीं रहेगा, और एक अच्छा डिसीजन मेकिंग भी अपने आप से आप नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वार्टर है वेकेशन का। वेकेशन जो है वो आपको एक क्लियर थॉट या आपके बॉडी को एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। अगर आप 7+ आवर्स का एक लंबा स्लीप लेते हो, डीप स्लीप लेते हो, अब इसका 7+ आवर्स का मतलब ये नहीं है कि आप 12-15 घंटे सोते रह जाओ। 7+ आवर्स का मतलब है कि एटलीस्ट 7 आवर्स जो है आपको डीप स्लीप लेना जरूरी है। आप 7 आवर्स नहीं लेते हो, जैसे जैसे आपका एज बढ़ते जाएगा, आप देखोगे जो आपका डीप स्लीप है वो 5 घंटे में 4 घंटे में पूरा हो जाएगा। अगर आप 25 से लेके 35-40 के एज तक हो, तो आप ऐसा फीलिंग करोगे कि आपका जो डीप स्लीप है ना वो 4-5 घंटे में आपकी नींद जो है वो पूरी हो जाती है, लेकिन आपके बॉडी को पूरा रिलैक्स होने के लिए एटलीस्ट 7 आवर्स जो है वो चाहिए। थोड़ा सा और आपका एज जाएगा, जब आप देखोगे 40 से लेके 50-60 के एज में जाओगे, आप देखोगे 4 घंटे का जो है एक डीप स्लीप हो जाएगा,
और उस डीप स्लीप के बाद भी आपको 7 घंटे जो है वो सोने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आपका बॉडी रिलैक्स हो सके। और इसी रिलैक्सेशन को जो है वो बोलते हैं वेकेशंस, जो कि आपके बॉडी के लिए, आपके मेंटल्स के लिए एक वेकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है 7 आवर्स का डेली। और ये वेकेशंस ज़रूरी है, इस वेकेशंस में ना ही आप कोई शुगर लोगे और एक हाई प्रोटीन टेक डाइट जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वार्टर जो है वो है मिशन। आपका मिशन क्या होना चाहिए? देखो, सबसे पहले आपके लाइफ में कोई भी मिशन हो, यहाँ पे हमारा मिशन क्या है, अपने आप को एक सुपर वुमेन में कन्वर्ट करना। सबसे पहले आपके पास एक सॉलिड पर्पस होना चाहिए। अब सॉलिड पर्पस का क्या मतलब है? सॉलिड पर्पस का मतलब है कि आप किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो। जॉब कर रहे हो तो जॉब के फील्ड में आपका लक्ष्य क्या है, किस पोजीशन तक अपने आप को देखते हो, या फिर आज जो जॉब कर रहे हो वही भी 2 साल बाद करना चाहते हो, या फिर आप उससे नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो, उससे भी नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो, तो उसके प्रति किस तरीके से तत्पर रहो। अब इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप गधे बन जाओ और गधों की तरह जो है काम करते रहो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताया जा रहा है। और ये जो आज का मिशन है हमारे वीडियो का, वो जो है आपको एक क्लियरिटी, डिसीजन मेकिंग और थॉटफुल पर्सन बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। अभी जो हमारा अकाइजी का सफ़र है, जहाँ पे आपने सीखा सुपर ह्यूमन की तरफ किस तरीके से अपने आप को कन्वर्ट कर पाओगे, इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो क्या है, हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब ये चीज़ें अपने लाइफ में आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो, कैसे इनका यूज आप प्रैक्टिकल डेली लाइफ में लेके आते हो, और यही वो चीज़ें हैं जो कि आपको एज ए सुपर ह्यूमन बनने में मदद कर सकता है। जितना आप इन चीज़ों को अप्लाई करोगे, रिजल्ट आपको उतना जल्दी देखने को मिलेगा, इवन 7 डेज में, 15 डेज में, और इवन आप 1 मंथ ट्राई करके इस चीज़ को देखो, आप देखोगे कि आपका जो डेवलपमेंट है वो अपने आप में बहुत अच्छे तरीके से ऊपर उठने लगा है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा काम फील करोगे, बहुत ज़्यादा क्लियर थॉट आपके दिमाग में आएंगे, और डिसीजन मेकिंग के जो फासले आप लोगे, आप देखोगे वो बिल्कुल एक सूझबूझ से लिया गया डिसीजन है। होप सो ये वाला वीडियोज़ आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोस चैनल पे आने वाले हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और ये चैनल एक नए डायरेक्शन की तरफ जो है आपको जाते हुए आप नज़र आएगा, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग लेके आने वाले हैं जिससे एक अच्छा डेवलपमेंट, एक अच्छा सोसाइटी और एक अच्छा डिसीजन मेकिंग की तरफ हम लोग आगे अग्रसर कर सकें, और साथ में आपको इस सिचुएशन से निकाल के एक बेटर सिचुएशन की तरफ लेके जाया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।